হয়, সুদূর নেপালৰ পৰা অসম ভ্ৰমণলৈ আহিছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। বিশেষ এই বুলিয়ে কৈছোঁ যে আপোনাৰ আৰু মোৰ দৰে দেখাত তেখেত নহয়, তেখেত আমাতকৈ যথেষ্ট ওখ। আৰু ৰাজন অধিকাৰী নেপালৰ পৰা আহিছে আৰু নেপালৰ সকলোতকৈ ওখ ব্যক্তি। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ জাগীৰোডৰ আমলিঘাটত, আৰু আমলিঘাটত তেখেত আহি তেখেতৰ যি পৰিয়াল আছে বা আত্মীয় আছে তেওঁলোকৰ সৈতে উপস্থিত হৈছে। আৰু আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। পেলে তো আসাম মে আপক স্বাগত কৰতা হওঁ। কেছে আনা হোৱা আসাম মে? তিন দিন হো গিয়া আসাম মে আনে কি মেরে ভাইয়া কে ঘর মে। আসাম বহুত আচ্ছা হে, আসাম কো লোক জো হে বহুত उसका मिलकर बहुत आप खुश है। थोड़ा आपके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा है आपका हाइट? मेरा नाम राजन अधिकारी, नेपाल से आ रहा हूँ। मैं मेरा हाइट 7.3 इंच और वेट 139 kg। आप नेपाल के सबसे हाइट वाला व्यक्ति है और वर्ल्ड में थर्ड नंबर। हाँ जी, वर्ल्ड में तुर्की का है जो फर्स्ट 8 फीट 3 इंच का है, और सेकंड चाइना में है उसका हाइट 7.8, 7 फीट 8 इंच, और नेपाल में मैं हूँ 7 फीट 3 इंच राजन अधिकारी। নিশ্চয় এগৰাকী ৰাজন অধিকাৰী নেপালৰ সকলোতকৈ ওখ ব্যক্তি, আৰু এই মুহূৰ্তত জাগীৰোডত আহি উপস্থিত হৈছে। তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁলোক তেওঁ লগ কৰিবলৈ আহিছে। আৰু আৰু কথা জানিব বিচাৰিম, আপকা যো চপ্পল হে ইয়ে কিতনা নম্বৰ কা লাগতা? মেৰা চপ্পল যো অৰ্ডাৰ কৰনা পৰেগা, इसका नंबर है 15 नंबर, 15 नंबर लाएगा, वो कहीं नहीं मिलेगा। उसका एक जगह है जो नेपाल में, वही ऑर्डर करके बनाना पड़ेगा। ऑर्डर करके बनाना? हाँ, चप्पल भी और ड्रेस भी, सब चीजों को ऑर्डर करना पड़ेगा। ये ड्रेस भी तो आपको मतलब रेडीमेड नहीं मिलता है, ऑर्डर देके बनाना पड़ता है? सभी चीज ऑर्डर करके बनाना पड़ता है, बेड बिस्तर भी, सभी चीज। ऐसे क्या कुछ मुश्किल भी तो होता है आपको जर्नी में, बस में? बस में भी मुश्किल है, जो छोटा वाला जो कार है जीप, इसका भी बैठने के लिए बहुत परेशान हो गया। और दरवाजा में भी अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए, वो उसका भी प्रॉब्लम है। कुछ थोड़ा प्रॉब्लम भी है, कुछ सहज भी है। फायदा क्या होता है आपके इस लंबाई के वजह से, क्या फायदा होता है? एक फायदा जो मेरा जो वर्ल्ड का तीसरा नंबर, नेपाल का पहला नंबर, इसके लिए जो जान पहचान है सभी लोग को, उन्होंने मिलकर बहुत मेरा से वो जो मेरा पहचान है उसके लिए मैं खुशी हूँ, खुश हूँ। वैसे आपका मतलब बिजनेस क्या, आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस एग्रीकल्चर का है, जो मेरा 8 साल हो गया वो बिजनेस चला रहा है। और दूसरा काम सोशल वर्क, मेरा एक फाउंडेशन भी है, राजन अधिकारी फाउंडेशन नेपाल।